हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबर PSSC CGL 3 से आ रही है। तो क्या आई है? ये सुशील कुमार मोदी, जो माननीय सुशील कुमार मोदी जी हैं, ये हमारे बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा ट्वीट किया गया है। ये आज ही का ट्वीट है, आप देख सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं, 30 अगस्त 1:53 PM। तो मैं आप लोगों को जैसे ही अपडेट आया तो मैं आप लोगों को बताने, तो इसको आप गौर से पढ़े। बिहार सरकार ने ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए 6,828 ग्राम पंचायतों में कार्यपालक सहायक, 1,375 तकनीकी सहायक तथा 1,578 लेखापाल सह IT सहायक की नियुक्ति की है। साथ ही पंचायती राज अंकेक्षण सेवा का गठन कर 373 पदों पर अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। तो आप इसमें समझ सकते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति है कि लोग समझ रहे हैं कि ऑडिटर पद क्या BPSC से निकालेगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग से निकलेगा। क्यों निकलेगा? तो उसका कारण है, BPSC तभी परीक्षा लेती है जब 4600 ग्रेड पे कम से कम होनी चाहिए। इधर जो ले रही है, पहले लेती थी 4200 ग्रेड पे की जरूरत थी, लेकिन 4600 सुपरवाइजर लेवल की पोस्ट है, जो कि ये अंकेक्षक का इंग्लिश क्या हो गया, ऑडिटर का पद है, जो कि आपको BSSC CGL 2 में निकला था, BSSC CGL 1 में नहीं था। इसीलिए इसमें जो लोग सोच रहे होंगे कि क्या BSSC CGL 1 में नहीं चला जाएगा, तो ये बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है, ये BSSC CGL 2 में। तो इसकी योग्यता क्या होगी, क्या इसके लिए अलग योग्यता होती है स्नातक के अलावा? तो निश्चित रूप से अलग होती है। इसका वेतन क्या होता है, जो BSSC CGL 3 के द्वारा ही निकाला जाएगा, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे अच्छी खबर ये है कि इस अधियाचना से क्लियर हो गया कि आपकी वैकेंसी, जो कि हर हाल में आपको चुनाव अधिसूचना के पहले आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, BSSC CGL 1 का रिजल्ट आए या नहीं आए, लेकिन BSSC CGL 3 का है, जो कि आपको रिजल्ट है, विज्ञापन जरूर आएगा। और क्योंकि ये जो अधियाचना भेजी जा चुकी है, तो अब इसको डिले नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद रखिए आपको अधिसूचना है, जो कि जल्द जारी होगी। और जहां तक बात है BSSC CGL 3 के सिलेबस की, तो वही पुराना सिलेबस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो CGL 1 में थी, CGL 2 में थी। आपको 150 प्रश्न रहेंगे प्री एग्ज़ाम में, और उसमें 50 GS, 50 में आपको मैथ और साइंस, और 50 में आपको रीजनिंग रहेंगे। और इसमें मैं बार बार कहता हूँ, कई सेट प्रैक्टिस की बहुत, इसमें वही लोगों को रिजल्ट आते हैं जिसमें रीजनिंग और मैथ जिनकी अच्छी, या GS बहुत अच्छी है तो किसी तरह, लेकिन अब वो संभावना कम होगी। आपको 75 में लगभग, जो कि आपको 70 या से कम लाने पर आप खतरे में, प्री में भी रह सकते हैं। तो ये सबसे, और ये परीक्षा जो मानी जाती है ऑब्जेक्टिव लेवल के BPSC के बाद, ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है और सबसे टफेस्ट परीक्षा होती है। उसका कारण क्या है कि इसमें ना तो फिजिकल होता है, ना तो टाइपिंग कुछ होती है, तो कहीं ना कहीं इसी कारण है जो कि ये टफेस्ट एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल की में आती है। और इसकी स्केल भी आपको वेतन मान, मैंने कई बार बताया, ये लेवल 7 की पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। प्रमोशन स्तर भी मैंने आपको कई बार है जो कि बताया है। और प्री का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको बुक्स ले जाने हैं, बहुत सारे लोग बुक्स, क्योंकि बुक्स का जब हमने भी पहली बार दिया था तो ऐसा आभास नहीं हुआ था कि बुक्स ले जाया जा सकता, क्योंकि लाइफ का वो पहला एग्ज़ाम था, उसके बाद भी मैं इस तरह का एग्ज़ाम नहीं दिया। तो 3 बुक्स अलाउ रहते हैं, तीनों सेक्शन के आप ले जा सकते, लेकिन ऑफिशियल किताब ऐसा नहीं कि नोट्स और नोट्स ये सब नहीं रहना चाहिए। तो ये इसके सिलेबस है। और तो अच्छी खबर, जो निराश हो चुके थे खासकर 2 वर्षों से BSSC CGL 3 की वैकेंसी के लिए, काफ़ी बेचैनी बढ़ गई। जैसे ही 18 तक तो लोग सोचे कि चलो BSSC CGL 2 ही फाइनल, नहीं हुआ तो फिर BSSC CGL 3। लेकिन जिस तरह से टलती उन्मान पेपरों में, अखबारों में, बजट में भी आई कि 2150 स्नातक स्तरीय, लेकिन विज्ञापन नहीं आया, तो कहीं ना कहीं जो कि निराशा अब अंतिम स्टेज पर है। और सभी की उम्मीद जो है वो अंतिम दौर पर एक की है कि चुनाव अधिसूचना से पहले जो कि विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो इसी उम्मीद में जो कि बहुत सारे जो लोग जॉब में हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, 2800 ग्रेड पे, कई लोग तो ऐसे हैं जो कि 5400 ग्रेड पे, लेकिन वो अपने बिहार आना चाहते, बिहार में सर्विस करना चाहते हैं। और तो अब बताते हैं कि इसकी योग्यता क्या है और कितनी वैकेंसी आ सकती है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और ये सब में आप सुने होंगे 3000 आ रही है, 5000 आ रही है, 8000 आ रही है, और कौन कौन से पद आ सकते हैं, सचिवालय सहायक की कितनी आ सकती है, कितनी, और इसके अलावा ये भी आ सकती है। तो देखते हैं पुरानी वैकेंसियों पर थोड़ी सी, जिनको अगर BSSC CGL 2 का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे, नंबर है जो कि
आप ले सकते हैं और पीडीएफ है जो कि इसका देख सकते हैं, इसे आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन सा पद है जो कि आ सकता है। आप ये देख रहे हैं 14 वाली ही विज्ञापन है, पुलिस अवर निरीक्षक जो आप जो पुलिस अवर परिवर्तन अवर निरीक्षक जो आप ईएसआई जो आप दे रहे हैं, ये बीएसएससी सीजीएल 2 में भी था। आप 13 पद देख रहे हैं यहाँ पर, पुलिस अवर निरीक्षक परिचारी भी यहाँ पर आपको जो निकली है, ये सब क्या है सीजीएल 2 में आई थी, एक साथ ही आई थी। और इसीलिए मैं सबसे टफेस्ट इसको बता रहा हूँ कि अगर आप, क्योंकि ये सब पोस्ट है अब बीपीएसएससी ले रही है, तो ये सब कट ऑफ मान जनरल की 105 गई और सचिवालय सहायक की जो कट ऑफ गई थी 130 से अधिक गई थी, 130 31 32 गई थी फाइनली। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितने 25 अंकों की जो टफेस्ट है कट ऑफ में, तो आप समझ सकते हैं एक ही परीक्षा में 25 अंकों का क्या महत्व, मतलब 100 अंकों का महत्व, 100 नंबर। तो ये जो ऑडिटर पद है उसके बारे में चर्चा करें और उसके बाद चर्चा करेंगे कौन कौन से पद है जो कि आ सकती है और पहले भी आए। अंकेक्षक आप देख रहे हैं सीजीएल 2 में भी आई है, वित्त अंकेक्षण विभाग है जो कि अंकेक्षक की है, जो कि वित्त विभाग की ये थी, या भी जो आएगी आपको पंचायती राज विभाग की आई, ये 5200 से 20000 मतलब 2800 ग्रेड पे की अंकेक्षक यहाँ भी आप देख रहे हैं। और जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं वो भी है जो कि अंकेक्षक लिखे, तो ये 2800 ग्रेड पे की नौकरी है और ये उस समय 130 वैकेंसी नहीं। योग्यता क्या है, योग्यता इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, क्या है स्नातक कला गणित के साथ, स्नातक विज्ञान गणित के साथ स्नातक वाणिज्य, मतलब क्या है कला के साथ है जो कि स्नातक कला गणित के साथ होना चाहिए, स्नातक विज्ञान गणित के साथ होना, स्नातक है जो कि वाणिज्य के, मतलब गणित और वाणिज्य है जो कि जरूरी है होना, एक विषय भी कम से कम होना जरूरी, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो और भी आप पुराने वैकेंसियाँ जो इस बार आप श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ये नहीं आएंगे, बाल संरक्षण पदाधिकारी सब है जो कि अब ये कनीय सांख्यिकी सहायक ये पद है जो कि आपको आ सकता है और ये 4200 ग्रेड पे कि आप देख रहे हैं स्नातक गणित अथवा स्नातक अर्थशास्त्र वाणिज्य, मतलब आप अगर बीएसएससी सीजीएल 3 में अगर आप कॉमर्स किए हुए हैं गणित और मैथ्स, तो आपको कई सारे ऐसे पद मिलेंगे जो आपको फ़ायदा पहुँच, कम नंबर आने के बावजूद राजभाषा उर्दू सहायक उर्दू विषय में बीएड, तो ये भी पद मलेरिया निरीक्षक ये भी है जो कि आपको आ सकती है, विज्ञान स्नातक इसमें चाहिए। तो आपने देखा कि ऑडिटर के लिए क्या क्या चाहिए और क्या क्या पद आ सकते हैं सीजीएल 3 में जिसकी संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर जो पोस्ट है वो चली गई है आपको बीपीएससी ने से हो रही है। सहायक पर्यटन सूचना अधिकारी ये भी है जो कि आपको पर्यटन विभाग ये भी आ सकता है, स्नातक है तथा डिप्लोमा इन कंप्यूटर में होना चाहिए। लेखापाल की ये कह रहे हैं नियुक्ति हो गई है कंप्यूटर में डिप्लोमा, ये 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। एक विपत्र लिपिक भी है मंत्रिमंडल सचिवालय से, इसकी भी वैकेंसी है जो कि अगर खाली होगी तो जरूर आ सकती है, पुराने में आई है। और सचिवालय सहायक सबसे बड़े जो चर्चा उस समय जो 332 पोस्ट है, अभी तो मैंने कई बार बताया कि टोटल जो पोस्ट लगभग 2300 पद खाली हैं जिसमें प्रमोशनल है जो कि आपको 650 खाली है, तो मानकर चला जाए कि 1700 के आसपास सीटें खाली हैं। अगर बीएसएससी सीजीएल पहले रिजल्ट निकाल देते तो 200-300 से ज़्यादा, मतलब 1300-1400 ये वैकेंसी हो सकती है। 1360 तो पहले ही आपको बताया था कि आई थी एक विवरणी, तो ये 1400 आसपास है जो कि ये हो सकती, 300 ये जुट गई 1700, तो सही में अगर। और योजना सहायक आप देख रहे हैं इसमें योजना सहायक भी होगी, योजना सहायक इसमें 280 थी, हो सकती इसको सीटों की संख्या काफ़ी कम क्योंकि पहले ही फुल की जा चुकी, तो कहीं ना कहीं है जो कि हो सकता 2000 के आस से अधिक भी सीटें आ सकती है, तो ये अच्छी खबर है। और इसमें अच्छी है कि बीएसएससी सीजीएल में ये पोस्टें नहीं जाएगी क्योंकि उसमें ये वैकेंसी नहीं थी। तो अब क्या करें, क्योंकि कुछ ना कुछ है जो कि अच्छी खबर जो काफ़ी निराश हो चुके हैं, क्योंकि अंतर क्या है कि आप अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करते हैं बिहार दरोगा की हो गई, ईएसआई की हो गई, बीएसएससी इंटर लेवल मेंस और बीएसएससी सीजीएल 3 सेम है ही सिलेबस है, तो जो सीजीएल मेंस इंटर लेवल मेंस उनके लिए तो अच्छी है, कम से कम मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हालाँकि सभी नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे पता चला है कि बहुत कम ही लोग जो सीरियस है जो पूरे मैथ और रीजनिंग पूरा सेट बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ जीएस ये जो 75 नंबर का जीएस है इससे आपका रिजल्ट नहीं होगा। आप मेरिट लिस्ट में प्री तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी निकल, लेकिन मेंस फाइनल में जब तक आप मैथ और रीजनिंग की अच्छी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं, अगर कमज़ोर है तो उसको सुधारना पड़ेगा, अगर अच्छी है तो फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरी बहुत ही अच्छी है मैं तो ऐसे ही जो देंगे वो बनाती, ये वहाँ पर नहीं, क्योंकि वहाँ बनाने वालों की कमी नहीं है। 75 जो बीएसएससी सीजीएल 2 की मेंस में एक गलती पर भी रैंकिंग चेंज हुई है, 138 नंबर आप समझ सकते हैं, 140 टॉपर्स का 141 या 43 है 150 में,
और ये जो कट ऑफ गई जनरल की, जो कट ऑफ गई 132 के आसपास गई है, ये 110 अंकों के बीच में ही गई, 143 से 132 में। तो इसी से आप टफनेस समझ सकते हैं, BSSC सीरियल 3 में टफनेस, क्योंकि राज्य के बाहर भी जो जॉब कर रहे हैं, चाहे रेलवे में हो, ASM हो, कोस्ट गार्ड हो, या बहुत सारे लोग जो SSC में गए हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में भी सचिवालय से हो, या झारखंड में असिस्टेंट जो कोर्ट असिस्टेंट 46, तो वो भी फॉर्म भरते हैं और पूरी तरह इंटरेस्ट लेते हैं कि अगर अधिक भी वेतन फिर भी ये फॉर्म भरते हैं। उसका कारण क्या है, ये बिहार राज्य का जॉब है और अपना गवर्नमेंट का जॉब है और स्थायी जॉब है। एक इसको माना जाता है सचिवालय साहब कि एक जगह से आप रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बदली हुई तो आप मुख्यालय में बड़े बड़े शहरों कमिश्नरी में ही रह सकते हैं, लेकिन अन्य जॉब जैसे है बिहार दरोगा हो गई, ESI हो गई, आपको फील्ड वर्क जाना पड़ेगा। आप ये नहीं सकते हैं कि कह सकते हैं कि मेरे बच्चे की अच्छी पढ़ाई होगी या एक जगह सुटेबल, एक जगह आप सेटल्ड नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये स्थायी जॉब जनरली मानी जाती है। और ऑफिशियल वर्क वाली जनरली सचिवालय साहब की बात करें तो ये ऑफिशियल वर्क, अंकेक्षक हालांकि ये फील्ड वर्क है इसमें, लेकिन सचिवालय साहब की माने तो ये ऑफिशियल वर्क है। आपको जनरली जो कि ऑफिस में ही रेयरेस्ट केस में होता है कि आपको फील्ड में कभी कभार जाना पड़ सकता है। तो ये अपडेट रही, उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ हद तक खुशी हुई होगी। बहुत सारे लोग नाराज़ के अभी BSSC सीरियल 3 का विज्ञापन, तो उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, इसी आधार पर जो कि आप खुश रह सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।